खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांट जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए चार आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराए और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है किसी का दर्द समझने के लिए। इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है।
किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सही पहुँचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को न बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पिटा लो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है।
अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो। जरूरत नहीं, जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रोहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, यह और भी कह रहे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीएफ वन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर गैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाब माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झगड़ता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे।
जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता जा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच घृणा चुगली क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम, यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कल युग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा बदला लेने के लिए। मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह नतमस्त भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करें, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।